हरकापुर तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता इन दिनों अपने कार्यों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वह अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता क्षेत्रीय भ्रमण पर निकले और उन्होंने स्कूल फुटेज चक्र एक और औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मध्याह्न भोजन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन अच्छी गुणवत्ता का बना मिला। मध्याह्न भोजन के बाद उन्होंने शिक्षकों से स्कूल के बारे में बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जाना। उसके बाद वह छात्र छात्राओं के बीच पहुंचे, जहां पर तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता ने छात्र छात्राओं से कुछ सवाल पूछे। छात्र छात्राओं ने भी सवालों के जवाब तहसीलदार को दिए। स्कूल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षक ही छात्र छात्राओं का भविष्य बनाते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्कूल में काफी ज्यादा शिक्षक हैं और शिक्षकों की व्यवस्थाओं के लिए 2 शिफ्ट में स्कूल लगाई जाए। इसके लिए मैं BRC से बात करूंगा। और उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल में कमी है उसको पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, जिससे इस स्कूल में सारी व्यवस्थाएं हो सके। इस दौरान तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता मजरा नाले के पास पहुंचे और उन्होंने नाले के पास पहुंचकर कहा कि ग्रामीणों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाऊंगा कि नाले के दोनों तरफ नालियां निकाली जाएं, जिससे ग्रामीणों को निकलने में सुविधा उपलब्ध हो। लागत तो उसमें कुछ भी नहीं है। अगर वो मतलब एक तरफ गहराई कर देंगे ऐसी मतलब 5 फीट, तो पूरा पानी उसी में चला जाएगा अंदर। सर, आप भ्रमण पर निकले हैं, कई गांव में गए हैं, आज आपने प्राथमिक शाला फुटेर चक्र एक का स्कूल का भ्रमण किया है, सर क्या पाया और क्या बच्चों से भी आपने पूछताछ की, क्या पाया गया? फुटेर का जो प्राथमिक स्कूल है वो अच्छी जगह स्थित है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या ये है कि अपर्याप्त जगह है और अपर्याप्त जगह के कारण जो है बच्चों को बैठने की थोड़ी सब कठिनाई होती है और ऐसी बरसात में वो उनका जो है क्लास सही ढंग से संचालित इसलिए नहीं हो पा रही है कि एक एक क्लास में दो दो बच्चे बैठे हुए हैं, दो दो मतलब दो दो क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ जो छात्र संख्या है वो 400 से ऊपर है। जब बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी तो कुछ कठिनाइयाँ तो आएंगी। इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से और माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा की जाएगी और जो भी इसकी सुधारात्मक कदम है उसको उठाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ जो है स्टाफ इतना अधिक है कि 3 कक्ष हैं, तो 3 कक्ष में 3 ही टीचर पढ़ा सकते हैं और जबकि हमारे पास 12 यहाँ का स्टाफ जो रजिस्टर बताता है और सभी लोग उपस्थित हैं वो भी बता रहे हैं। तो अगर कई जगह कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे भी हैं और जहाँ मतलब स्टाफ की कमी है और पर्याप्त जहाँ बैठने की व्यवस्था है, तो ऐसी जगह थोड़ा चेंज अगर हो जाए तो ये भी अच्छा होगा। मध्याह्न भोजन यहाँ अच्छा दिया जा रहा है ऐसा मुझे देखने में आया है, आप लोगों ने भी देखा है और मेरे तो केवल प्रयास यही रहेगा कि हमारे क्षेत्र के हर स्कूल में अच्छी व्यवस्था हो और टीचर ही इस काम सबसे बेहतर कर सकता है। कोई तहसीलदार या अन्य अधिकारी केवल भ्रमण करने पर आएंगे, व्यवस्थाओं के संबंध में थोड़ा सुधारात्मक बात कहेंगे, लेकिन मूल रूप से जो टीचर हैं उनके उनका बड़ा दायित्व है और उन्हें इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि बेहतर प्रबंधन हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो और गणवेश भी हो तो और बढ़िया है। ये सब व्यवस्था जो सरकार चाहती है, सरकार टीचर्स को पर्याप्त वेतन दे रही है तो उनका प्रयास भी पर्याप्त होना चाहिए और अभी मैं इस व्यवस्था से आज की जिस स्कूल की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट हूँ, कोशिश करूँगा कि हम भी हम सब लोग मिल करके इसकी व्यवस्थाओं को विभिन्न माध्यमों के द्वारा बेहतर कराने के लिए
रत्नशील होकर के बेहतर करा लेंगे।